हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानना है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। When we are represents the chemical change in the form of the equation, it is called the chemical equation or we can say the chemical reaction. ठीक है, तो chemical reaction में सबसे पहले definition हुआ कि new substance को या new substance का production जब होता है तो that is the chemical change और उसको represent करने के तरीके को हम कहते हैं chemical change. अब chemical change हुआ है ये कैसे पता चलेगा, है ना? यानी कोई तो इंडिकेशन होना चाहिए, तो उसके कोई ना कोई इंडिकेशंस होते हैं। जैसे पहले उसका कलर कुछ और था, बाद में रिएक्शन होने के बाद कलर कुछ और हो गया, या पहले स्मेल दूसरी थी या स्मेल नहीं थी उसके बाद स्मेल चेंज हो गई, या हमें कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कुछ गैस निकल रही है, कुछ बबल्स निकल रहे हैं, या इफर्वेसेंस हो रही है, इफर्वेसेंस मीन्स बुलबुले के साथ कोई गैस निकलना। तो इस तरह के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। किसी में आप देखेंगे कि कोई हमने केमिकल रिएक्शन किया है, एक केमिकल में दूसरा केमिकल डाला है, तो उससे क्या हुआ, हमारी टेस्ट ट्यूब भी बहुत तेज गर्म हो गई, है ना? इट बिकम टू मच हॉट। सो इट मींस कोई ना कोई इंडिकेशंस हमारे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ केमिकल चेंज हो चुका, और उसको फिर हम केमिकल रिएक्शन से दिखाते हैं। या हम कुछ इंडिकेशंस के एग्जाम्पल्स लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले है कलर चेंज। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्शन से पहले कलर कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, यानी हमें पता चल गया, इंडिकेशन मिल गया कि नाउ केमिकल चेंज हैज बीन डन। सो जैसे आप ये एग्जांपल देखेंगे, दिस इज द मर्करी, मर्करी ऑक्साइड, मर्करी सेकंड ऑक्साइड है एक्चुअली। मर्करी सेकंड ऑक्साइड इसलिए क्योंकि मर्करी का दो वैलेंसी होती है, ठीक है, प्लस वन भी होती है और प्लस टू भी होती है। तो यहां पर हम मर्करी सेकंड ऑक्साइड ले रहे हैं और उसको जब हमने हीट किया, ठीक है ना, उसको हीट करने से क्या हुआ कि सिल्वर कलर का मर्करी अलग निकल गया। आपको पता है मर्करी, आपने देखा है उसमें थर्मामीटर में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ द सिल्वरी कलर। तो मर्करी बना यानी सिल्वर कलर आ गया, उसके बाद एक गैस निकली, दैट इज ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो कलर चेंज हुआ, पहले मर्करी सेकेंड ऑक्साइड का कलर था रेड और उसके बाद बन गया सिल्वर, इसका मतलब केमिकल चेंज हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कलर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कोई गैस भी निकल सकती है, कोई गैस हमें निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि ये जिंक। जिंक आपको पता है, इसमें अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हमारा बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ एक गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है के यहां पर केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अब थर्ड हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब पहले ठंडी थी और जब हमने केमिकल रिएक्शन किया तो वो ज्यादा हीट हो गई, मतलब हॉट हो गई है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट निकल रही है। कई बार होता है कि ठंडी हो जाती है, पहले नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो कूल डाउन हो गई है, दैट इज दैट मीन्स के वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यानी दो तरह की रिएक्शन हो गई, एक जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व यानी निकल रही है, और एक जिसमें की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसमें हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वॉटर डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको हमने दिखाया प्लस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल किसका साइन है कि इसमें हीट निकल रही है, ठीक है। अभी जैसे आपने कई बार देखा होगा चूना होता है ना, जैसे पहले लोग क्या करते थे कि पुताई करके व्हाइट वॉश करते थे तो चूना खड़िया इस तरह का कुछ चीज लगा देते थे, उस पे चूने के ऊपर पानी डालने से क्या होता है, एकदम से बहुत तेज धुआं निकलता है और इट बिकम टू मच हॉट। हॉट का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो पानी डालने से उसमें क्या हुआ, हमें हीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतना उसका टेम्परेचर अप हो जाता है कि वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी तरह एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंस, सो देखो ये साइन आप देख रहे हैं, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन साइन,
यानी ये रिएक्शन इधर से जा सकती है, लेफ्ट टू राइट भी जा सकती है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब कि ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, नाइट्रिक ऑक्साइड ये इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसको कि हम माइनस ट्राइंगल से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, जैसे प्रेसिपिटेट बन गया, पहले कुछ नहीं है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर डाला, क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या हुआ, एक व्हाइट व्हाइट सा उसमें कुछ बन गया है नीचे, ठीक है, और वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है, नीचे नीचे बैठने लगता है, व्हाइट व्हाइट बनता जाता है, रिएक्शन होती जाती है और नीचे कुछ उसमें टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन होता जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसमें सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन है, क्योंकि ये पहले नहीं था, इसका मतलब रिएक्शन हुई है और ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि नाउ प्रेसिपिटेट हैज बीन मेड, ओके। और ये बना किसका, सिल्वर क्लोराइड का। दीज आर सिंपली सम एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में सबसे मेन हमारा मोटिव है कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ये तो इंडिकेशंस थे कि हाँ अच्छा ठीक है रिएक्शंस होगी, ठीक है, लेकिन कितने टाइप की रिएक्शंस होती है ये हमें देखना पड़ेगा, तो हम आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले कुछ इस तरह की आपने रिएक्शंस देखी होंगी कि दो चीजें मिली और उन्हें एक जब रिएक्शन के बाद एक थर्ड चीज बना दी। जैसे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ए और बी, ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं ए बी, ठीक है, ये एक नई चीज इन्होंने बना दी। तो क्या हुआ, दो चीजों के कंबाइन होने से एक नई चीज बन रही है, ठीक है ना, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट। तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो न्यू प्रोडक्ट तो होगा ही ना। तो क्या होगा, दो चीजों के कंबाइन होने से यानी कॉम्बिनेशन होने से क्या हुआ, एक थर्ड चीज बन गई। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप है आपका, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, दो चीज ऐड हुई और उन्होंने थर्ड बना दी। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल, आपको मालूम है सी प्लस ओ टू क्या बन गया, सीओ टू बन गया, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, दो एलिमेंट्स के मिलने से ये कंपाउंड बन गया सीओ टू, और ये बिल्कुल एक नई चीज है। आपको बहुत अच्छी से तरह पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग चीजें थी और ये न्यू प्रोडक्ट बना है, इसकी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन पुरानी मीन्स पहले वाली से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है ना। सो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट, सो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं बना है, सिर्फ दोनों ने कंबाइन किया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, क्या बनाते हैं, पीते हैं ना, घर में प्यास लगती है तो पीते हैं ना, क्या पीते हैं, वाटर, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, वाटर। और आप देखो ऊपर वाली रिएक्शन ऑलरेडी वो बैलेंस्ड थी, बैलेंसिंग आपको मैंने पहले भी सिखाई है, और अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको बैलेंसिंग फिर से बता दूंगी, ठीक है। और क्योंकि बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब भी आपको बैलेंस किए बिना कोई रिएक्शन करनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि अच्छा यहां रिएक्शन से पहले क्या था, हाइड्रोजन के दो एटम थे, ऑक्सीजन के दो एटम थे, लेकिन रिएक्शन के बाद कितने रह गए, हाइड्रोजन के तो दो हैं, ओके इट इज बैलेंस्ड, बट व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, भाई ये तो ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, इसको जो ऑड नंबर था हमने पहले इवन बना दिया, ठीक है। आप देखिए ये ऑक्सीजन हमारी ओके बैलेंस हो गई, क्योंकि ये नंबर इन दोनों के लिए होता है भाई, ठीक है ना, जो आगे नंबर लगाया जाता है हम इसको मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज करने से ये भी बढ़ गया, तो दो ऑक्सीजन हो गई, दो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन तो ज्यादा हो गया भाई, है हाइड्रोजन क्या हुआ, टू टू जो फोर, अब तो ये फोर हो गया, तो हमें इसे भी फोर करना पड़ेगा, इसका मतलब फोर एटम्स आए होंगे तभी तो फोर निकल रहे हैं ना रिएक्शन में। तो यहां पर हमने क्या किया, ये लिख दिया टू, तो अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये तो बैलेंसिंग की बात थी, लेकिन हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं दोबारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने दो एलिमेंट्स ने मिलकर एक थर्ड कंपाउंड बना दिया,
और ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? ये तो दोनों चीजें सिंथेसाइज हो गई है ना, तो दिस इज कॉल्ड द सिंथेसिस रिएक्शन ऑल्सो। अब एक सेकेंड टाइप का हम देखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जो इस कॉम्बिनेशन का बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। देखो एक मिनट, ये रिएक्शन क्या हुआ कि पहले एक चीज थी, ठीक है, पहले एक चीज थी, वो ब्रेक ऑफ हुई और उसने दो चीजें नए बना दिया। जैसे कि यहां देखो, इसी का हम रिवर्स भी ले सकते हैं, H2O। H2O का रिवर्स हो गया, मतलब ये डिसोसिएट हो गया या ये ब्रेक ऑफ हो गया, तो इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अपने कंपोनेंट्स में टूट गई। सेम वे हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां भी टू और यहां भी टू, ये बैलेंस हो गई। अभी हमने क्या देखा कि अच्छा ये कैसे ब्रेक ऑफ होती है, इतना आसान नहीं है भाई पानी को तोड़ना। पानी इज यू नो ना यूनिवर्सल आपका वो है सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि अपने में सबसे ज्यादा चीजें ये डिजोल्व कर सकता है। तो भाई इतनी बड़ी चीज है, इसको इतना आसान तो है नहीं तोड़ना, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, करंट से, ठीक है। अगर आप इसमें करंट पास करेंगे तभी ये पानी टूटेगा, नहीं तो आप कितना भी चाकू चलाते रहो ना पानी में, पानी वाटर ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक ऑफ नहीं होगा। कितना भी आप इसको फिल्टर कर लो, तोड़ लो, ऊपर से नीचे आप ऐसे ऐसे शेक कर लो, कुछ नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर भी वो कंपाउंड के रूप में ही रहेंगी, पानी ही रहेगा। तो भाई कौन सा तरीका इसको अलग करने का, दैट इज द करंट। वी विल पास द करंट थ्रू दिस वॉटर एंड देन इट कैन बी ब्रेक ऑफ। वो अलग बात है कि प्योर वॉटर फिर भी नहीं हो सकता, उसमें हमें दो या तीन ड्रॉप्स जो है एसिड की डालनी पड़ती है, तो जिससे कि ये एसिड रिलेटेड वॉटर हो जाता है और फिर ये दो चीजों में ब्रेक ऑफ हो जाता है। ये एक हमने साइड बाय साइड चीज दूसरी बता दी। तो हम वापस आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि एसिड रिलेटेड वाटर कर देते हैं और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ होता है, यह हम आगे पढ़ेंगे, ये एट्थ क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो बाद में, लेकिन पहले हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखनी है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि एक चीज थी और उसमें हमने कुछ किया, उसमें करंट पास किया या हीट किया, तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट गई, तो दिस इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर कार्बोनेट। आपकी बुक में कॉपर कार्बोनेट का एग्जांपल दिया है। कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर मैं आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं कि जब भी आपके पास कोई कार्बोनेट है, रिएक्टेंट साइड में कोई कार्बोनेट है, तो प्रोडक्ट्स में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जरूर जरूर बनेगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बननी ही है, चाहे आप उसे हीट करिए, चाहे आप उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, कुछ भी करिए, अगर आपके रिएक्टेंट साइड में कोई भी कार्बोनेट है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, वो जब आपके प्रोडक्ट्स बनाएगा तो उसमें एक प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई थी साइड बाय साइड, क्योंकि थोड़ी चीजें हम लोग बता के चलते हैं ताकि वो चीजें आपके माइंड में सेटअप हो जाए, ठीक है। आगे हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा रहता है कि क्या रिएक्टेंट्स थे तो इनके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। क्योंकि अभी मैं आपको जब आगे और दूसरे टाइप की रिएक्शंस बताऊंगी तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रोडक्ट्स में, तो वहां पर आपको ये याद रखना है कि अगर कार्बोनेट है आपके रिएक्टेंट्स में तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनती है, ठीक है। तो आज हमने ये इतना पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे दो और टाइप बताऊंगी केमिकल रिएक्शंस के। तो पहले आप इनको समझिए, वीडियो देखिए, उसके बाद रीड करिए चैप्टर। देखो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको खुद से समझना नहीं आएगा, ठीक है। तो रीडिंग करिए और अच्छे से स्वस्थ रहिए, मौसम चेंज हो रहा है, कोई बाहर की चीजें नहीं खानी है, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय।